हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं टेक्निकल सीखिए। तो चलिए टेक्निकल सीखिए। आज मैं आपको व्हाट्सएप की एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताऊंगा ना, जिसे देख के आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। दरअसल क्या होता है, कई बार आप अपनी व्हाट्सएप पर डीपी लगाते हैं तो वो पूरी डीपी नहीं हो पाती। तो कैसा होता है, आपको उसको क्रॉप करना होता है, क्रॉप करना होता है, तभी आप अपनी फुल डीपी को क्रॉप करके लगा पाते हैं। आप कई बार सोचते हो क्या ये डीपी मेरी फुल लग जाती, तो लोग जो देखते हो उनको काफ़ी अच्छा लगता है कि ये डीपी कैसी है, तो आपको वो क्रॉप करके लगानी है। तो मैं आज आपको ऐसे ही एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप आसानी से उस अपनी डीपी को उस साइज तक लगा सकते हैं जितना आप चाहें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और घंटी के ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। और आपने एक प्यारा सा हमें कमेंट कर देना है, कमेंट में लिख देना है नाइस वीडियो और इसको सेंड कर देना है। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से मैं काफ़ी मोटिवेट होंगे और आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बस आपने अपने फ़ोन में एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना। आप उस एप्लीकेशन की मदद से आप जितना चाहें उतना बड़ा आपने व्हाट्सएप में अपनी डीपी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो आप सब कैसे कर पाएंगे। तो सिंपली आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करें। ओपन करने के बाद आपने तीन डॉट पे क्लिक करना है और आपने सेटिंग में जाना। सेटिंग में जाने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल में जाना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कितना छोटा फोटो, लगभग ये फोटो काफ़ी बड़ा था, मतलब अब ये इतना ही फोटो यहाँ पर एडजस्ट हो सकता है। तो मैं आपको बताऊँगा ये फोटो आप कैसे कितना बड़ा लगा सकते हैं। तो सिंपली आप इसको कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद आपने अपने फ़ोन में एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करता है, वो एप्लीकेशन आपको आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और उसकी लिंक हम अपनी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए उस एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूँ। ओपन हो रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो सिंपली आपने नीचे स्टार्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर ढेरों सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आपने रिसाइज पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करें, ऐड को यहाँ से कट कर दीजिए। जैसे आप वहाँ पर रिसाइज पर आएंगे तो आप यहाँ पर कोई सा भी अपना एक प्यारा सा फ़ोटो ले सकते हैं। फ़ोटो ले लेता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फुल फ़ोटो है मेरी। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जितना चाहे उतना क्रॉप कर, चाहे अपना स्क्वायर सर्कल जो भी आपको पसंद हो आप उस हिसाब से रखते हो। बट मैं फ्री पे रखूँगा और आपने यहाँ पे साइन कर दूंगा। इस पर करने के बाद आप यहाँ पर कॉर्नर भी हल्का गोल सा कर सकते हैं, जैसा चाहे आप लगो वहाँ पर, आप उस हिसाब से अपना सेट कर सकते हैं और यहाँ पर डन कर दीजिए। आप इसकी यहाँ पर ब्राइटनेस भी इस फोटो की बढ़ा सकते हैं। तो सिंपली आपको ये फोटो कम्प्लीट ही हो गया। कम्प्लीट होने के बाद आपने यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप यहाँ पर एक ऑप्शन पूछेगा सेट व्हाट्सएप, आप इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरा फ़ोटो बढ़ाता है। तो आप आसानी से इस फ़ोटो को मैं यहाँ पर सेट कर दूँगा। सेट करने के बाद यहाँ पर डन कर दूँगा तो ये फ़ोटो मेरा यहाँ पर सेट हो जाएगा, बल्कि ये फ़ोटो मेरा पहले सेट नहीं हो रहा था। तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप जितना चाहें उतना फ़ोटो आप आसानी से अपने व्हाट्सएप डीपी पे लगा सकते हैं। तो आई होप ये एप्लीकेशन आपको बहुत पसंद आया, और पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो को, और हम आपके लिए ऐसी टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।